किसी ने नहीं जीता उसका भी गौरव होगा, किसी ने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उससे उनकी सभी उपलब्धि आगे रही होगी। लेकिन जो व्यक्ति है सभी प्राप्त होगा, सभी जीवन समाज इंसान के अंदर में इंसान का होना बहुत मुश्किल होता है। काशी सेंटर के अंदर वो एक इंसान हुआ करता था जिसे मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है। जब मैं अगली नया इंसान के लिए बड़ों की बहुत दूर तक आवाज लगाई और वो आवाज जो थी, काश अगर मैं आवाज के इस इंसान का प्राण खींच कर आ सकता तो ले आता, लेकिन मैं मजबूर था कि जिस वक्त यह अस्पताल में था उस वक्त में वह अपनी खाते ले गई। केवल इस वजह से सबने मुझे बोला, लेकिन सबको होता नहीं जो दिखाई देता है। मैं अपने वैसे भी मेरे छोटे भाई अनुज को पूछना चाहता हूँ। अनुज शर्मा ने आशीष चंद्र जी के साथ बहुत काम किया है, बहुत करीब से वो भी जानते हैं। मैं पहली कल कर रहा था आशीष भाई अपने उम्र से दुगने उम्र का कैरेक्टर कर रहे थे, उनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन वो इस किरदार से कर रहे थे। तो आशीष भाई के बारे में बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन मुझे एक ऐसा चीज उनमें दिखाई देता था कि वो बड़े पॉजिटिव इंसान थे। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं करते, वो सबको अप्रिशिएट करना जानते थे और किसी के सुख दुख में खड़े होना जानते थे। उसका जिक्र करने का उदाहरण जब शेखर को समस्या आई तो जो इंसान सबसे ज्यादा व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में एक्टिव था उस बच्चे के लिए फंड जुटाने के लिए, उसका नाम आशीष सेंजर था। और आशीष भाई के सहयोग से लाखों रुपए का कलेक्शन हुआ था जब बच्चे के ट्रीटमेंट बड़े भाई थे, लेकिन जब मैं सुना मुझे लगा कि मेरे दोनों बेटों जो उनके दोनों कलाकार थे उनका बाप थे और उस भूमिका को आशीष चंद्र जी ने अच्छे तरीके से निभाया कि जब मैं दूसरी फिल्म में आया था धर्म गुरु का बाप था तो उसने जो सेंट्रल करे
Thank you.